अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं घिया कद्दू और चिकन। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 किलो चिकन, 1.5 किलो घिया कद्दू, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, नमक, गरम मसाला। सबसे पहले आपने घिया कद्दू को अच्छी तरह से धो के छील के इसको बारीक स्लाइस में काट लेना है। इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में सारे घिया कद्दू को आप काट लें। अब आपने पैन में थोड़ा सा पानी लेना है, 1 ग्लास पानी लें और उसमें घिया कद्दू को डाल दें बॉयल होने के लिए। पानी आपने थोड़ा डालना है क्योंकि सब्जी का अपना भी पानी निकलेगा। इसको हम ढक देंगे और ये देखें बॉयल होने पे ढक्कन उतार लें। ये हमारा जो घिया कद्दू बॉयल हो चुका है। अब एक पैन में आप ऑयल लें और उसमें आप चॉप की हुई प्याज शामिल करें। प्याज को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, देखें इस तरह से। चूल्हे की आंच को थोड़ा कम रखना है हमने। देखें प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी मसाले को आप अच्छी तरह भूनेंगे प्याज के साथ। ये देखें अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें हसबे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च डालें जितनी आप इस्तेमाल करते हैं, हल्दी पाउडर डालें और इसको भी आप मसाले को थोड़ा सा भून लें अच्छी तरह। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को भी आपने मसाले के साथ भून लेना है। आंच आपने धीमी डाल रखनी है। थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो मसाला है वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है और मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है ताकि वो एक जान हो जाए। ये देखें इस तरह से टमाटर हमारे तकरीबन गल गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिकन। ये देखें चिकन डाला। अब चिकन को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। चिकन को आपने भूनना है, साथ साथ आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें ताकि चिकन आपका गल जाए अच्छी तरह। ये देखें हमारा जो चिकन है वो हमने भून लिया है अच्छी तरह। और ये गल भी चुका है। चिकन हमारा गल गया है और अच्छी तरह भून गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद अब इसमें चम्मच चलाएं ताकि आपका जो चिकन है वो जले ना। अब हमने जो घिया कद्दू बॉईल किया था वो हम चिकन में ऐड करेंगे। और इसको चिकन के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए अच्छी तरह हिला के आपने
चिकन के साथ इसको मिक्स करें। अब ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च डालें और इसको भी आप सारे मसाले के साथ मिक्स कर लें ताकि काली मिर्च जो है वो सारे जो हमारी सब्ज़ी है उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। गरम मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ये देखिए इस तरह से। ये रेसिपी जो हमारी है ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गार्निशिंग के लिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। इसको भी आप इसको इसके साथ मिक्स कर लें और हरा धनिया ऐड करेंगे ऊपर। ये हमारी घिया कद्दू और चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको खाएं और एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।